A very good evening to all of you. So in continuation with class 1, in which we already covered a half of chapter 4 named as money and supply of money. So today we will move further and try to complete our chapter 4. After that you can ask any type of doubts if you have. So let's start today's class. So dekho ab tak humne pad liya tha ki what is barter system. And after that, we have already covered some drawbacks of barter system, some problems of barter system. So today we will read about what is money, what are its primary functions, and then we will further move about the supply of money and how it is measured, what is the supply of money, what is the stock concept, what is the flow concept. So dekho, humne अभी तक मनी के बारे में पढ़ा था कि इट फैसिलिटी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. आफ्टर दैट वी हैव रेड दैट व्हाई वी आर यूजिंग मनी, व्हाट इज द एवोल्यूशन ऑफ मनी एंड समथिंग मोर अबाउट मनी. लाइक वी हैव रेड अबाउट द बेसिकली फॉर्म्स ऑफ मनी. हमने पढ़ी थी फियट एंड फिड्यूशरी. ओके, दिस इज वन टाइप ऑफ मनी. आफ्टर दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड फोर्डेड मनी एंड क्रेडिट मनी, राइट. ये सब टॉपिक है जो हमने अभी तक पढ़ी है. दिस वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. एक बार रिवीजन के लिए मैं बता देता हूँ दोबारा. फियट मनी इज व्हाट विच इज ऑर्डर और मेड बाय द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट. फिड्यूशरी बिल्कुल अपोजिट होती है, ये मेड अपॉन ट्रस्ट. ओके, ट्रस्ट. फुल बॉडीड मनी में क्या होता है? Commodity value equals to money value. Okay. And when we talk about credit money, तो इसमें थोड़ा सा opposite होता है. इसमें money value is greater than commodity value. इतना सभी ने पढ़ लिया था. तो आज हम यह topic start करेंगे. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी. ये स्टार रिलेटेड टॉपिक है. नेम क्या है इसका? फंक्शंस ऑफ मनी. सीबीएसई के एग्जाम में कभी कभी 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. इसमें मनी के फंक्शंस में कंटेंट थोड़ा है, लेकिन तुम्हें 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है तो आई विल प्रेफर कि तुम थोड़े पॉइंट्स बना के लिखो. वो सब हम बातें बाद में कर सकते हैं. आज पहले करेंगे कि व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी, और फिर उसके कुछ सब पार्ट्स हैं, हम वो भी रीड करेंगे. ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं. वन इज प्राइमरी फंक्शन, द अदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन. ऑलराइट, उसके बाद हम देखेंगे. हाँ, ये तुम नोट कर सकते हो, तुम करना है. प्राइमरी फंक्शन में भी आगे दो पार्ट है. ठीक है, तो वन इज, तो तुम बार बार कहते हो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड द अदर वन इज यूनिट ऑफ वैल्यू. ठीक है, सेकेंडरी में हमारे पास है, मेरे साथ आप भी देख सकते हो. इसमें भी इसमें 3 पार्ट है. ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन इज डेफर्ड पेमेंट, जो हम कहते थे फ्यूचर पेमेंट
ये आपको कहते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग, ठीक है। देखो गाइस मैं स्पेलिंग थोड़ी थोड़ी शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया मिल जाए कि पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो काफी टाइम हमारा इतनी वेस्ट हो जाएगा, इसलिए डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर और कॉन्ट्रैक्चुअल। उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू, एंड देन आता है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो देखिए दोबारा देखते हैं क्या क्या था। देखो पहला फंक्शन हमने स्टार्टिंग की थी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मनी। उसके बाद हमने देखा फर्स्ट फंक्शन इज प्राइमरी, देन वी हैव द सेकंड फंक्शन इज सेकेंडरी। उसके बाद प्राइमरी में सब पार्ट थे, पहला था मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूनिट ऑफ वैल्यू, उसके बाद था सेकेंडरी में डेफर्ड पेमेंट्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स स्टोर ऑफ वैल्यू ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा तो ये सभी चीज़ें जो भी ये सभी चीज़ें हमने जैसे ये सब हमने पढ़ा था ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम है उनका सॉल्यूशन मनी था, तो ये ही मनी के फंक्शंस कह लो फीचर्स कह लो ये सभी फंक्शंस हैं, ठीक है। उसमें सेकंड बात आती है कि हम इसको प्राइमरी क्यों कहते हैं और इन फंक्शन को सेकेंडरी क्यों कहते हैं, ठीक है। तो देखो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज वाला फंक्शन है वो तो प्राइमरी इसलिए क्योंकि मनी का बेसिक सिंपल फंक्शन जो फर्स्ट फंक्शन कह सकते हैं क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है सबसे पहला फंक्शन तो यही है। उसके बाद तो फंक्शन का एडवांस वर्जन कह सकते हैं, दूसरा प्राइमरी क्या कंसिडर करते हैं कि इसके थ्रू किसी की वैल्यू लगाते हैं तो यूनिट ऑफ वैल्यू। अब ये सब जो फंक्शंस हैं ये सेकेंडरी में क्यों रखे गए हैं, इनका भी एक रीज़न क्योंकि देखो डेफर्ड पेमेंट प्राइमरी फंक्शन हम क्यों नहीं कहते कि यार देखो डेफर्ड पेमेंट इतनी ज़रूरी नहीं है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज ज़रूरी है वैल्यू लगाना जितनी, लेकिन डेफर्ड पेमेंट इतना ज़रूरी नहीं है। हाँ ये फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन ये इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इसको सेकेंडरी में रखा है। मनी को स्टोर करना भी इतना ज़रूरी नहीं है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ट्रांसफ़र करना भी इतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए इनको सेकेंडरी कहते हैं। जैसे यार हमारी लाइफ में जैसे प्राइमरी फंक्शन से प्राइमरी मोटिव क्या है लाइफ का, तो हम कहेंगे जैसे सभी कहते हैं फूड क्लोथ हाउस बस इतनी। उसके बाद अगर तुम्हें एक अच्छा सा होम चाहिए तो तुम उसको बंगलो कह दोगे या कुछ और, तो ये सब सेकेंडरी फंक्शन है, ऐसे ही मनी के हैं। तो ये तुम्हें फर्स्टली याद करनी है कि प्राइमरी फंक्शन में सिर्फ दो ही फंक्शन आएंगे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और यूनिट ऑफ वैल्यू, और सेकेंडरी में ये सब फंक्शन आएंगे, ठीक है। तो अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डीप बताऊंगे क्योंकि हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ रखी हैं, फर्स्ट क्लास में इतना डीप पढ़ लिया था, इतना अच्छे से समझ लिया था कि मुझे नहीं लगता कि अभी हमें जरूरत है, लेकिन फिर भी हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन देखो अब हम पढ़ेंगे। जैसे स्टार्ट होती है तो पहले स्टार्ट होती है तो हम पढ़ेंगे अभी प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी में कौन सा, प्राइमरी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हमने काफी पढ़ लिया, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा क्लैरिफाई कर लेते हैं कि क्या कहना चाहता है, कि जो हम सोच रहे हैं ये वही होता है या कुछ और कहना चाह रहा है, ठीक है। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं पहले। इट मीन्स दैट मनी एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इन द एब्सेंस ऑफ मनी गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स लाइक आई हैव टोल्ड यू सीसी exchange, commodity to commodity exchange, which took place in barter system. This required double coincidence of wants. Accordingly, exchange was difficult at that time and therefore limited to an extent. Accordingly, introduction of money has separated the acts of sale and purchase. देखो ये money has separated acts of sale and
टैक्सेस, ये हमने पोर्ट के क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में फर्स्ट क्लास में करा था। क्योंकि देखो सीसी कॉम्पिटिटिव बार्टर सिस्टम में क्या होता है, तुम जब भी कोई चीज बाय करोगे तुम्हें कुछ सेल भी करना पड़ेगा। तो बाइंग एंड सेलिंग हम कह सकते हैं कि एक ही प्लेस पर एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर होती थी, लेकिन आज तुम्हें कुछ बाय करना तुम बाय कर सकते हो, सेल करना है सेल कर सकते हो, कोई तुम्हारे ऊपर ऑब्लिगेशन है, कोई नेसेसिटी नहीं है कि तुम्हें बाय भी करना है और सेल भी करना है, ठीक है। एक्सचेंज इज नाउ मच सिंपलर एंड इज देयरफॉर अनलिमिटेड। एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी हैज चेंज्ड द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी एज वेल एज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। द नेचर ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी हैज चेंज्ड बिकॉज प्रोडक्शन इज नो लॉन्गर सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड, इट इज नाउ मार्केट ओरिएंटेड। ये लाइन को अंडरलाइन कर दीजिए कि प्रोडक्शन इज नाउ लॉन्गर सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड। जब प्रोडक्शन होता है वो हम सिर्फ बेसिक नीड्स के लिए नहीं करते, वो मार्केट डिमांड कैसी है वैसे प्रोडक्शन करते हैं, तो उसको कहते हैं प्रोडक्शन इज अकॉर्डिंग टू मार्केट और मार्केट ओरिएंटेड। द लेवल ऑफ प्रोडक्शन हैज सब्सटेंशियली राइजन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिकॉज एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड। तो इसमें कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ सिर्फ हमें दो तीन बातें एक्सप्लेन करनी है कि डबल कॉन्शियस ऑफ वॉन्ट्स पहले था अब नहीं है, मनी ने बाइंग एंड सेलिंग सेपरेट कर दी और अब मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन होती है, पहले होती थी सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड सिर्फ जीने के लिए और लिविंग, ठीक है। तो प्रोडक्शन सब्सटेंशियली राइज हुई है और एक्ट्स ऑफ सेल एंड परचेज हैव बीन सेपरेटेड। नेक्स्ट फंक्शन जो प्राइमरी फंक्शन है वो है यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू लिख सकते हो या यूनिट ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ वैल्यू। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा है, हमने पढ़ा था कि पहले किसी को भी मेजर करने के लिए कुछ स्पेसिफाई करेंसी या कुछ कॉमोडिटी नहीं थी, कोई मिल्क के टर्म्स में स्पेसिफाई करता था, कोई वीट की, कोई राइस की, तो लेकिन आज प्रेजेंट सिनेरियो में हम मनी के टर्म्स में हर चीज़ की वैल्यू को स्पेसिफाई करते हैं। तो मनी सर्व्स एज ए मेजर ऑफ वैल्यू इन टर्म्स ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। यूनिट ऑफ अकाउंट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ ईच गुड इज मेजर्ड इन मॉनेटरी यूनिट। तो यूनिट ऑफ अकाउंट क्या है कि हाँ इसको हम हर चीज़ को एक मनी की वैल्यू लगा सकते हैं, मनी की वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। Measurement of value was very difficult in the barter system. One good was valued in terms of other. There was no common unit of value. Introduction of money. जब money आई तो ये सब barter system की difficulties ने को remove कर दिया, ठीक है। It is because of the existence of money as a common unit of value that we are now able to construct consumer price index number and wholesale price index number. तो देखो ये आपको समझना है तो हाँ समझ लो, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है कि हम कोई बेस वैल्यू को लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या होता है कि हम एक कंज्यूमर बास्केट लेते हैं, मतलब जो जो भी बास्केट बनती है गवर्नमेंट बास्केट बनाती है कंज्यूमर की थोड़ी थोड़ी नेसेसिटीज को मिलाकर, ताकि जिससे उसकी लिविंग चल सके, लाइफ स्टाइल उसका चल सके, सिंपल सोबर लाइफ स्टाइल, जिसमें मान लो आप वीट आता है, क्लोथ आता है, ऑयल आता है, फूड आता है, ठीक है, और ये सब कुछ मिला के बास्केट बनते। तो आप पता है कि उसकी हम अगर वैल्यू लगानी है तो मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू लगाते हैं तो वो काम हमारा आसान कर देते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या शो करता है, जैसे हम एक बेस ईयर लेते हैं जिसमें उस बास्केट की वैल्यू 100 लेते हैं, तो आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से वो वैल्यू उसकी बढ़ती रहती है। तो फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बताता है कि आज बास्केट की वैल्यू 112 है, 113 एज कम्पेयर टू बेस ईयर, ठीक है। तो वो हम कैसे जज करते हैं कि 112 क्या है, हम कहते हैं वो मनी इन टर्म्स ऑफ मनी। सो ये सब इसने दिया है मेजर ऑफ वैल्यू, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज गिवन अस ए प्राइमरी फंक्शन व्हिच इज नेम्ड एज मेजर ऑफ वैल्यू। तो ये हमारा हो गया। अब हम आते हैं सेकेंडरी फंक्शन, इसको कभी कभी कह सकते हैं सब्सिडियरी फंक्शन या सेकेंडरी फंक्शन। देखो एग्जाम में कभी तुमसे पूछ लिया कि राइट सब्सिडियरी फंक्शन, तो तुम कंफ्यूज मत होना कि वो प्राइमरी सेकेंडरी ही आता है। सेकेंडरी और सब्सिडियरी बिल्कुल एक बात है, सेकेंडरी। तो इसीलिए मैं बार बार स्क्रीन पर सिर्फ नेम्स लिख रहा हूँ ताकि हमारा फोकस ज़्यादा इसी पर हो, सेकेंडरी और सब्सिडियरी फंक्शन ऑफ मनी। तो ये प्राइमरी नहीं होते तो इसमें नहीं क्या नहीं आएगा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। तो
थोड़ा हम इसको जल्दी कवर करेंगे क्योंकि यार ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। कल हम तुम्हारा एक डाउट सेशन रखेंगे, उसमें इसी के ही पूरे चैप्टर्स के डाउट लेंगे। तो इसके बेसिकली तीन फंक्शंस हैं, तीनों को मैं लिख रहा हूँ और तीनों को फिर समझेंगे। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट्स रेफर टू दोस पेमेंट्स व्हिच आर मेड समटाइम्स इन द फ्यूचर। मनी हैज डेफर्ड पेमेंट मच इजियर देन बिफोर, मनी हैज मेड डेफर्ड पेमेंट्स मच इजियर देन बिफोर। एज वी ऑल नो, व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम समबडी वी हैव टू रिटर्न बोथ द प्रिंसिपल एज वेल एज द इंटरेस्ट। देखो फ्यूचर पेमेंट्स क्या है उनका मैं, क्योंकि डेफर्ड हमारी बुक में यूज करा हुआ है, इसको फ्यूचर पेमेंट भी लिख सकते हो। बेसिकली क्या हुआ है कि आज हमने किसी से देखो 100 रुपीज लिए और हमने उसको 5% इंटरेस्ट पे एक साल बाद अगर हम उसको वापस करेंगे तो तुम्हें पता है कि हमें 105 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो कहानी है कि प्रेजेंट सिनेरियो। तो अब मैं इसके बीच में एक लाइन लगाता हूँ, हम देखते हैं कि बार्टर सिस्टम में क्या होता था। बार्टर सिस्टम में तुमने आज किसी से मान लो तुमने 1 cow बोरो कर ली सिर्फ 1 month के लिए, तुम उसको 1 month के बाद क्या दोगे, मतलब टाइम पीरियड के बाद कितने 1.5 cow दोगे? नहीं, 2 cow दोगे, 2 cows तुम क्यों दोगे? तुम या तो 1 cow दोगे या कुछ और दोगे। फिर तुम कहो, वो कहेगा चलो 1 cow दे दो, 1 cow और एडिशन में तुम उसको दे दो 1 kg वीट। तो तुम कहोगे यार 1 kg वीट नहीं दूंगा, मेरे पास राइस पड़ा है, मैं राइस लूंगा। तो वो कह रहे यार नहीं मैं राइस नहीं लूंगा, तुम पास राइस काफी पड़ा है, मेरे पास वीट नहीं है, तुम वीट दो। मैं कहूँगा मेरे पास वीट नहीं है, मेरे पास राइस है। तो मेरे पास राइस राइस हो गया, वीट किसी के पास नहीं है। तो फिर ये ट्रांजेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए बार्टर सिस्टम में ये फ्यूचर पेमेंट्स कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स एक बड़ा फेलियर था, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो बार्टर, मैंने आपको पहले बताया कि मिल्क स्टोर करना है हमें, हमारे पास बहुत सारा मिल्क है। देखो इसको बिल्कुल सिंपल से समझते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू बाय स्टोर ऑफ वेल्थ। स्टोरिंग वेल्थ हैज बिकम कंसीडरेबली इजी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। वेल्थ कैन बी स्टोर्ड जस्ट इन टर्म्स ऑफ पेपर टाइटल्स। इट वाज नॉट कन्वीनिएंट टू स्टोर वैल्यू इन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज गुड्स टेंड टू वियर आउट और पेरिश। पेरिश मतलब डैमेज हो जाना या वियर आउट। देखो आज तुम्हारे पास दोनों सिनेरियो में एक किस लेगा तुम्हें ज्यादा अच्छा लगेगा, 100 kg मिल्क, ठीक है। तो आज मैं क्या करूंगा, 100 kg मिल्क को कन्वर्ट कर दूंगा 5000 रुपीज में, और फिर जब मुझे कुछ भी चाहिए हो थोड़े टाइम पीरियड के बाद, ये डैश नोट कर रहे हैं कि थोड़े थोड़े टाइम पीरियड के बाद अगर मुझे कुछ चाहिए तो मैं उससे कुछ जैसे परचेज करता रहूंगा, तो धीरे 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 मैं उसको बाय करता रहूंगा कुछ और मेरी वैल्यू जीरो हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन अगर हम सेम चीज करें बार्टर सिस्टम में, बार्टर सिस्टम में क्या होगा, बार्टर सिस्टम में मेरे पास वही 100 kg मिल्क है, मुझे मनी तो है नहीं जिसमें मैं उसको कन्वर्ट कर लूंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर, थोड़ा सा टाइम स्टोर होगा 2 महीने, जैसे डैश है 2 महीने, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 महीने भी नहीं एक्चुअली, चलो मैंने 2 महीने भी कर या 2 दिन या 2 हफ्ते, उसके बाद मिल्क हो जाएगा खराब, मिल्क हो जाएगा स्पॉइल, उसके बाद उसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो देखो मुझे कहीं भी पूरी ट्रांजेक्शन में, कहीं भी पूरी ट्रांजेक्शन में यहाँ या फिर यहाँ या मिल्क यहाँ, मुझे मिल्क ही मिला, मैं उस मनी कभी नहीं मिली, मैं कुछ भी और खरीद नहीं सकता था बार्टर सिस्टम में। लेकिन यहाँ देखो आप, स्टोर ऑफ वैल्यू करी मैंने, 100 kg मिल्क को बेचा 5000 और धीरे 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 5000 रुपीज को कंज्यूम करा। तो इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू बहुत ईजी हो जाता है प्रेजेंट सिनेरियो में जब इन्वेंशन ऑफ मनी थी, ठीक है। उसके बाद थर्ड फंक्शन है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये देखो हमें सबको पता है आज मनी ट्रांसफर बहुत ईजी हो गया, इवन हमें मनी को कैरी भी नहीं करना पड़ता, हम नेट बैंकिंग से ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन पहले के टाइम में मनी था ही नहीं, हमें कुछ कहीं ट्रांसफर करना था तो हमें उसको लोड अनलोडिंग क्या ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था और टाइम बहुत लगता था, ये सब बहुत दिक्कत थी पहले। तो मनी ऑल्सो सर्व एज ए कन्वीनियंट mode of transfer of value. By facilitating transfer of value, money has promoted both consumption expenditure as well as investment expenditure across all the parts of the world.
देखो आज तुम्हारे पास मनी और तुम्हें दिल्ली में फैक्ट्री लगाने को तुम लगा सकते हो, विच विल गिव राइज टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन पहले तुम अगर तुम्हारे पास बहुत सारा दूध है वो तुम फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे, तुम्हारे पास मटेरियल होना चाहिए, तुम्हारे पास पहले ही मटेरियल होना चाहिए, तुम तभी फैक्ट्री लगा सकते थे। अगर तुम्हारे पास काउज है तो तुम काउज से मिल्क प्रोड्यूस करके तभी बेच सकते हो, लेकिन आज अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम कुछ भी परचेज कर सकते हो, तो विच विल गिव राइज, तो इसमें राइज या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। पहले लिमिटेड वॉन्ट्स थी, पहले मैं बताया, आज हमारे वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं। तो अनलिमिटेड वॉन्ट्स हैं क्यों? क्योंकि हमारे पास पैसा है, कुछ भी खरीद सकते हैं। पहले लिमिटेड वॉन्ट्स क्योंकि इसके पास पैसा नहीं था, सभी के पास जो कुछ था वो एक्सचेंज थोड़ा बहुत होता था, जितना भी पैसा उससे खरीदते थे, तो इसलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिनिमम से थोड़ा सा ज़्यादा था। लेकिन आज हमारे पास अनवॉन्टेड लिमिट्स हैं, थोड़ा बहुत मनी है, किसके पास ज़्यादा मनी है वो उससे उतनी ही चीज़ें ज़्यादा खरीदता है, तो इट विल गिव राइज टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देखो ये हमारे लिए सिर्फ ये ही बात नहीं है आज के लेक्चर में कि ट्रांसफर ऑफ वैल्यू राइज करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है। हमारे पास सभी कंसेप्ट अभी तक के क्लियर हैं, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जो शायद तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हमने वो टॉपिक नहीं समझा है, तो उसका क्या नेम है देखो, उसका नाम है सप्लाई ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ मनी, उससे पहले दो चीजें मैं बताऊंगा आपको, वन इज फ्लो कंसेप्ट, ये दोनों कंसेप्ट है, एक है स्टोक, स्टोक कंसेप्ट। देखो फ्लो में क्या होता है, जो चीज ओवर द टाइम पीरियड हैपन होती है तुम्हारे साथ, जैसे तुम्हारी सेविंग्स, तुम कहते हो कि एक महीने की सेविंग्स ओवर द टाइम पीरियड, एक पॉइंट मतलब 5,000 की सेविंग्स कितनी थी, ये नहीं कहते, एक महीने की सेविंग्स, एक महीने की इनकम जो फ्लो करती है धीरे धीरे ओवर द टाइम पीरियड स्प्रेड होती है, वो होती है फ्लो कंसेप्ट। इसमें इनकम क्या हमारी सेविंग्स है, हमारे को इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन हाँ हमें समझ आएगा कि फ्लो कंसेप्ट। हाँ तो गाइज हम कहाँ थे, हमने पढ़ लिया था, अब हमने पढ़ना था सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी हमने फ्लो कंसेप्ट समझ लिया था, स्टॉक कंसेप्ट यार, एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास क्या है जो तुम एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो, मतलब 5 बजे 6 बजे, ठीक है, ये सब होते हैं स्टॉक कंसेप्ट। सप्लाई ऑफ मनी में तुम्हें लग रहा होगा सप्लाई मतलब जैसे सप्लाई ऑफ वाटर, सप्लाई ऑफ ऑयल, जो कि एक ओवर द पीरियड ओवर द टाइम पीरियड मेजर करते हैं, लेकिन ये सप्लाई ऑफ मनी ये नहीं है। सप्लाई ऑफ मनी की तुम एक डेफिनेशन पढ़ो ध्यान से, तो सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट। व्हाई, लेट मी टेल यू, बिकॉज सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू total stock of money held by the people of India या किसी भी country को at a given point of time, समझे? हम कहते हैं आज country सप्लाई ऑफ मनी क्या है, तो सप्लाई ऑफ मनी है, सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कंसेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ये सप्लाई ऑफ मनी मतलब कि आज कंट्री में लोगों के पास कितना पैसा है, इसको हम सप्लाई ऑफ मनी कहते हैं। ये है कि गवर्नमेंट कितनी सप्लाई दे रही है, मतलब 5,000 करोड़ पर सेकेंड पर आवर, ये सप्लाई ऑफ मनी नहीं है, तो
सप्लाई ऑफ मनी सिंपल सा फंडा है जो मैं कहता है सप्लाई ऑफ मनी जस्ट टू कंसेप्ट व्हाई बिकॉज़ इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम और पीपल ऑफ हमें एग्जाम में पीपल ऑफ इंडिया नहीं लिखना बिल्कुल नहीं लिखना हमें एग्जाम में लिखना है पीपल ऑफ ए कंट्री ये लिखना एग्जाम ठीक है सप्लाई ऑफ मनी जस्ट टू कंसेप्ट तो देखो यार हम लोग एक इकोनॉमी में सिर्फ पांच बंदे थे पांच बंदों के पास जितना पैसा है उसको हम ऐड करेंगे तो सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगी पांच बंदों के जब पास टोटल करके 1000 करो तो 1000 सप्लाई ऑफ मनी है एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एट ट्यूजडे एट थर्सडे कोई भी डेट पे कोई भी टाइम पे किसी भी सेकंड पे वो सप्लाई ऑफ मनी होता है आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर सो लेट्स मूव फर्दर इट इज टू बी नोटेड राइट एट द आउटसेट दैट सप्लाई ऑफ मनी डजंट इंक्लूड तो देखो सप्लाई ऑफ मनी होता है जो लोगों के पास पैसा है लेकिन इसमें यू शुड नॉट इंक्लूड तुम्हें क्या क्या इंक्लूड नहीं करना नॉट इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ मनी इसका फर्स्ट पॉइंट है तुम्हें क्या क्या इंक्लूड करना है क्या क्या इंक्लूड नहीं करना दो तीन पॉइंट चाहिए देखो ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन है बिल्कुल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट मनी होल्डिंग जो गवर्नमेंट की मनी होल्डिंग होती है वो इंक्लूड नहीं करनी है ठीक है सेकेंड मनी विद बैंकिंग सिस्टम ये भी हमें इंक्लूड नहीं करना है ठीक है बिकॉज गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम आर सप्लायर्स ऑफ मनी एंड द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द सप्लायर्स इज नेवर ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री देखो गवर्नमेंट मनी सप्लाई करती है ये आप सभी को पता है ठीक है वैसे आरबीआई करती है आरबीआई के अंदर होता है लेकिन एक बार क्लियर गवर्नमेंट क्योंकि गवर्नमेंट का ही पार्ट है आरबीआई तो गवर्नमेंट मनी होल्डिंग इसलिए इंक्लूड नहीं करनी क्योंकि ये दोनों सप्लायर्स हैं ठीक है अगर हम कहेंगे कि ये दोनों एक बिगर रेक्टेंगल दिस डिनोट्स सप्लायर्स ऑफ मनी इसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं कर सकते बैंकिंग सिस्टम भी मनी को सप्लाई करता है अब हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो बैंकिंग सिस्टम है वो मनी को क्रिएट करता है मनी क्रिएशन जिसकी मल्टीप्लायर की वजह से ये सब कंसेप्ट में पढ़ेंगे तब अच्छे से समझ आ जाएगा तो अगर हम मनी बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री को करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी जो हमें नहीं करनी डबल काउंटिंग में एग्जाम में ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है वो सिर्फ इतना ही देंगे क्योंकि गवर्नमेंट मनी होल्डिंग है मनी विद बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री हम डोंट इंक्लूड इन द सप्लाई ऑफ मनी बिकॉज दे आर द सप्लायर्स ऑफ मनी एंड सप्लायर्स ऑफ मनी कैन नेवर बी ट्रीटेड एज द पीपल होल्डिंग द मनी ओके सो सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड्स ओनली दैट स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय द पीपल अदर देन द सप्लायर्स ऑफ मनी In other words, we can say supply of money refers to the stock of money held by the public or held by those people who are demanders or who demand money. So, इतना सब clear है कि supply of money क्या होता है? Supply of money वो होती है कि एक given point of time पे हम demanders of money के पास कितना money का stock है? वो अमाउंट को कहते हैं सप्लाई ऑफ मनी अब हाउ टू मेजर सप्लाई ऑफ मनी और वी कैन से मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ मनी देखो मनी को मेजर करने के लिए कुछ डायरेक्शंस रूल्स एंड ऑपरेशंस फॉलो करने तो बेसिकली देर आर फोर टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स इन इंडिया थ्रू व्हिच वी कैन मेजर द सप्लाई ऑफ मनी इन अ कंट्री व्हिच इज नोन एज M1, M2, M3 एंड M4 ठीक है
लेकिन our syllabus only discusses about M1, like first method to measure supply of money in a country. So let's focus on only M1. नोट पे लगा दो, M के फुट पर बना जाएगा, ठीक है? M1 equals to C plus plus D plus OD, ठीक है? C refers to currency, D for demand deposit, M for OD for other deposit. तो मैंने C के बारे में डिस्कस किया, ठीक है? It refers to currency and includes coins and paper notes held by the country. ठीक है? आप सभी को बताइए कि करेंसी जो लोगों के पास है एंड नोट्स हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स और कॉइंस, ये सब इंक्लूड करना है, ठीक है? फिर आता है हमारा डीडी, डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल, दिस आर कमर्शियल बैंक्स, दिस आर चेकेबल डिपॉजिट, दिस कैन बी विथड्रॉन और ट्रांसफर्ड ऑन डिमांड. देखो अगर हमारी कुछ भी सेविंग्स है बैंक में या हमारा डिपॉजिट है, these are the things which can be withdrawn on demand. इसको इसीलिए हम बोलते हैं demand deposits. तो ये भी हमारा stock है ना, तो इसलिए हम इसको supply of money में include करेंगे. देखो one of the reason कि हमने इसको supply of money में include कर लिया, ठीक है? अगर हमारा 500 रुपए bank में deposit है तो वो supply of money है, लेकिन हमने banking system के money को उसी 500 को दोबारा include करके 1000 रुपए वो क्या double counting. इसीलिए मैंने कहा था banks are suppliers of money, उसके स्टॉक को हम कंपनी के सप्लाई में कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे. सो नेक्स्ट थिंग इज ओडी, अदर डिपॉजिट. अदर डिपॉजिट में क्या आता है? सो दीज आर द डिपॉजिट्स व्हिच इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक आईडीबीआई. आईडीबीआई स्टैंड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स. देखो ओडी में स्पेसिफिकली तीन चीजें लिखी है हमारे बुक में, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें वही लिखना है, लेकिन ओडी में वैसे बहुत कुछ आता है. तो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का डिपॉजिट्स है आरबीआई के पास, तो वो भी इंक्लूड करना है. लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या करना है, डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो भी डिपॉजिट आरबीआई के साथ है वो अदर डिपॉजिट में आएगा, ठीक है? डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एट अ फॉरेन गवर्नमेंट. फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट, ये भी चीजें हमें ओडी में इंक्लूड करनी है, ठीक है? उसके बाद हमें क्या इंक्लूड करना है, एक और चीज, थर्ड पॉइंट, डिमांड डिपॉजिट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये हमें तीन चीज़ें ओडी में इंक्लूड करनी है. तुम कुछ और बिल्कुल अपनी तरफ से मत लिखते हैं एग्जाम में, सिर्फ हमें M1 का मेजर सीखना था और हमने सीखा, हमने साफ साफ देखा M1 में सिर्फ ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं जो इन सब, ठीक है? बिल्कुल एग्जैक्टली ये चीज़. C plus GD plus OD, currency, the form of notes, the coins, demand deposit, savings or deposits can be withdrawn anytime on demand, and other deposits like public financial institutions, foreign central banks and government, international financial institutions, ठीक है? तो इसमें दो points mainly और दे रखे हैं कि OD doesn't depend. OD में क्या नहीं होता? Government के deposits RBI के साथ. गवर्नमेंट की मनी को हमने एक्सक्लूड करना है तो गवर्नमेंट के डिपॉजिट हम नहीं काउंट करेंगे और बैंकिंग सिस्टम के डिपॉजिट, ठीक है? लिख देता हूँ, डिपॉजिट ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ये चीजें हमें इंक्लूड करनी है, ठीक है? इस पे हम क्रॉस मार्क दे देते हैं कि हमें ओडी में ये चीजें इंक्लूड नहीं करनी, इंक्लूड करनी ओडी में, ठीक है? तो हमें थोड़ा सा फोकस आप इस पे भी करो, ये सर कभी 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 एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ओडी में क्या क्या इंक्लूड करना, डिपार्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम, ठीक है? तो
मनी सप्लाई का इतना सा ही कंसेप्ट है, M1 मेजर पढ़ना है, M2 और M4 बिल्कुल मत पढ़ना, वो बड़े भी हैं, कंफ्यूज हो जाओगे तो एग्जाम में मिक्सअप हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में हमेशा में M1 पूछेगा क्योंकि वो ही सिलेबस में है हमारे, ठीक है। उसके बाद हु सप्लाईज में, देखो हमने मनी की सप्लाई तो पढ़ाई थी, एक क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हु सप्लाईज मनी, ये तो सभी को पता होना चाहिए। इन मॉडर्न टाइम्स द सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ मनी आर गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री एंड कमर्शियल बैंक, यही तो सप्लाई पड़े करने, गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक जो इंडिया में RBI है और बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, यही तो सप्लाई पड़े करने, ठीक है। इन इंडिया थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, ये एक कोई काम की नहीं है। इन इंडिया इट इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इश्यूज 1 रुपी नोट एंड कॉइन, मनी इज मेनली सप्लाइड बाय द RBI व्हिच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, RBI इश्यूज करेंसी ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम रिजर्व सिस्टम, अंडर दिस सिस्टम रिजर्व बैंक हैज टू मेंटेन ए मिनिमम रिजर्व ऑफ 200 करोड़ इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन सिक्योरिटीज, ऑफ दिस रिजर्व वैल्यू द गोल्ड मस्ट बी 115 करोड़, कमर्शियल बैंक्स क्रिएट मनी बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स व्हिच आर मल्टीपल टाइम्स देयर कैश रिजर्व्स, ये हम मनी मल्टीप्लाई पर पढ़ेंगे। तो डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स आर ग्रेटर देन देयर कैश रिजर्व्स बाय फैक्टर ऑफ 5, देन ऑफन इट इज बिलीव्ड दैट द कमर्शियल बैंक्स हैव एडेड टू द सप्लाई ऑफ मनी 5 टाइम्स देयर कैश रिजर्व्स, मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स फॉर द व्यू ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। हमें सिर्फ इतनी सी चीजों को कुछ भी नहीं समझना, हमें सिर्फ ये पढ़ना कि व्हाट इज बैंक मनी, ये CBSE का क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज बैंक मनी। मैं फुल प्रूफ ले जाऊँ लिखता हूँ, आप सिर्फ इतना पढ़िए आज के लिए, वी आर डन देन। मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी। बैंक मनी क्या होता है, जो बैंक क्रिएट करेगा, बैंक कैसे क्रिएट करेगा, जो डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं उसके थ्रू, तो मनी क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक्स बाय द वे ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स इज कॉल्ड बैंक मनी, ठीक है। सो वी हैव कंप्लीटेड अवर फोर्थ चैप्टर नेम्ड एज मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल फोकस ऑन बैंकिंग सिस्टम, द कमर्शियल बैंक्स एंड द सेंट्रल बैंक, चैप्टर 5 ऑफ योर सिलेबस। सो Have a good day and stay safe. Thank you.